हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और अब तक हमने यहाँ पे 2011 दिसंबर तक के सारे पेपर देख लिए हैं, फ्रॉम 2004 टू 2011। ये जो पेपर है ये 2012 का पेपर है, जून सेक्शन का पेपर है। और इस पेपर में एक चेंजेस ये हुए थे कि 2012 में जून सेक्शन में इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया था, और इसमें फिर हमें दो पेपर्स देने होते थे नेट के, 2 एंड 3। सो ये थर्ड पेपर है, और थर्ड पेपर में 75 क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाओगे कि थोड़ा वीडियो बड़ा होगा। ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस हमने 27 मिनट मैक्सिमम टाइम लगता है, देखते हैं इसको कितना लगता है। अब वीडियो अगर ब्रेक कर देंगे तो फिर वो रिदम टूट जाता है पेपर का, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको डिटेल में बहुत ना क्लियर करूँ, बस आपको क्वेश्चन डिस्कस कर सकूँ, जिससे कम टाइम में आपका पूरा 75 क्वेश्चन आप कवर कर सको। और ये जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ कि इससे इस चैनल पे आपको लिटरेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलती हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर आप को विज़िट करना है तो आप प्लेलिस्ट विज़िट कर लें, और वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिस जो आपको ज़रूरत है। सो ये UGC नेट पेपर का सीरीज़ चल रहा है, क्योंकि नेट का पेपर बहुत ही नज़दीक है। सो हम इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, और आपको जो अगर आपको क्वेश्चन पेपर रिक्वायर्ड है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, UGC नेट सॉल्व पेपर में आप उसको सर्च करिए। सो चलिए, बात बहुत हो गई और काम की बात अब करते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन शुरू करते हैं। सो ये जो पेपर है जून 2012, थर्ड पेपर, इन बेन जॉनसन्स वॉलपोन द एनिमल इमेजरी इंक्लूड। सो एनिमल इमेजरी में इन्होंने इंक्लूड किया है वल्चर, फॉक्स, फ्लाई, क्रो एंड द रेवन। सो ये याद रखिएगा, ये चार पांच तरीके के एनिमल इमेजरी इन्होंने यूज़ की थी, द फॉक्स, वल्चर, फ्लाई, क्रो एंड रेवन। देन सलमान रश्दीज इमेजरी होमलैंड इज, सो रश्दीज इमेजिनरी होमलैंड इज एन एसे दैट प्रोपाउंड्स एन एसेंशियलिस्ट व्यू ऑफ प्लेस। देन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें करेक्ट आपको स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ, दैट इज बी, बेसिक इज एन एक्सपेंडेड एज British Scientific International Commercial and Basic English was an 850 word simplified auxiliary language presented in Ogden's 1930 book Basic English, a General Introduction with Rules and Grammar. Question number 4, item in a published book appear in the following order. So iska correct option hai option number C, that is copyright page pehle aata hai, then footnote, then bibliography and then aapka index. So ye published item में अपेयर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको मैच दी कॉलम है, एक तरफ मतलब जो ऑथर्स हैं या राइटर्स हैं उनका नाम है, और दूसरी तरफ वो किस ग्रुप से आते थे उनका नाम है। तो चलिए करेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या था, जे थॉम्सन, ओ गोल्डस्मिथ, डब्ल्यू कॉपर, जी क्रेब, ये सारे जो हैं ये ट्रांजिशनल पोएट हैं। देन जी हार्बर्ट, एच वॉगन, ए मार्वल, ए कावले, जे डन मतलब जॉन डन, दे आर मेटाफिजिकल पोएट्स। देन आर ब्रूक, ओवन, ससून, बल्डन एंड ग्रेव्स, दीज आर वॉर पोएट्स। देन डब्ल्यू एच डेविस, डब्ल्यू डीला मेयर, जे ड्रिंक वाटर, आर ब्रूक, दे आर जॉर्जियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, The following phrases from Shakespeare have become the title of a famous work. Identify the correct match. So, इसका correct match है, मतलब ये भी match दी column है कि किसका ये work है और किसने लिखा है, और ये जितने भी work हैं ये Shakespeare के जो drama है या उनका जो work है वहाँ से उठाई हुई title है। तो सबसे पहले देखते हैं पेल फायर। पेल फायर 1962 में आई, और ये जो है ये work है व्लादिमीर नबोकोव का। Then The Sound and the Fury 1929, William Faulkner का है वर्क। Rosencrantz and Guildenstern, ये है टॉम स्टॉपर्ड का, सॉरी Rosencrantz and Guildenstern आर डेड 1966, ये जो वर्क है ये टॉम स्टॉपर्ड का है। Under the Greenwood Tree, ये थॉमस हार्डी का है
1872, ऑफ केक्स एंड एले 1930, सॉमरसेट मॉगम का वर्क है. देन क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़ नॉट ट्रू अमंग द फॉलोइंग दैट एक्सप्लेन स्टेज डायरेक्शन. सो इसमें जो सारे स्टेटमेंट है ये स्टेज डायरेक्शन में किस तरीके से काम होता है वो उससे रिलेटेड है. सो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्टेज डायरेक्शन आर नॉट टू बी स्पोकन अलाउड, दे आर जस्ट इंडिकेटर्स. ठीक है, वो मतलब उसमें कुछ बोला नहीं जाता है, मतलब वो सिर्फ स्टेज इंडिकेट किया जाता है कि कैसे होगा. देन क्वेश्चन नंबर 8, द इमर्जेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद. वर्ल्ड लिटरेचर का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से इमर्ज हुआ ये पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. तो ये है जोहान वुल्फगैंग वॉन गोथे एंड जोहान गॉटफ्राइड हार्डरर. सो ये दो जो लोग हैं इनकी ये एसोसिएटेड है इमर्जेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर. क्वेश्चन नंबर 9, गंटर ग्रासेस टिन ड्रम इज पार्ट ऑफ ट्रायोलॉजी नोन एज डंजिंग ट्रायोलॉजी. द टू अदर नॉवेल्स आर, तो डंजिंग ट्रायोलॉजी में तीन नॉवेल्स हैं जिसमें से एक दिया हुआ है टिन ड्रम, बाकी दो कौन से हैं ये पूछ रहे हैं. सो गंटर ग्रास की जो डेंजिंग ट्रायोलॉजी थी उसमें थ्री नॉवेल्स थे, पहला है टिन ड्रम, दूसरा है कैट एंड माउस एंड तीसरा है डॉग ईयर्स. सो ऑलवेज रिमेंबर डेंजिंग ट्रायोलॉजी में तीन नॉवेल, दैट इज टिन ड्रम, Cat and Mouse and Dog Ears. Then question number 10, the hostess proudly announced that the family can afford a servant and her daughters have nothing to do with the kitchen. Who is the proud mother in this Jane Austen novel? So iska correct option hai option number C, Mrs. Bennet in Austen's Pride and Prejudice 1813 proudly announced that their family could afford a servant and so her daughter had nothing to do with the kitchen. So ye Mrs. Bennet hai aur ye Pride and Prejudice mein aaya hai. Then question number 11, when Keats writes about breaker full of the blushful hypocrine, the hypocrine is, so hypocrine is question number 11 ka option hai D. The term hypocrines are used by Keats in one of his poem means both the fountain of the horse and spring scared to the muses. Question number 12, which of the following statement on prelude by William Wordsworth is not true? So iska correct option hai option number C, that is D. The poem like Michael, the old Cumberland beggar, she dwelt among the untrodden way, nutting, etc. are highlight of this volume. So, ye nahi hai. Yes, this is incorrect about the prelude. The poem like Michael, old Cumberland beggar, she dwelt among the untrodden ways, nutting, etc. are the part of 1800 edition of Lyrical Ballad. The first edition of prelude came out in 1805 with 13 book, which were subsequently revised and published posthumously by his wife in 1850. ठीक है, question number 13 assertion reasoning है. assertion क्या है, at the end of the heart of darkness Marlowe tell a lie to intended about Coutts when he tell her the last word he pronounced was your name. reason, Marlowe tell this lie because he is secretly in love with the intended and tell her what she want to hear. क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन इसका बी है. ए इज़ बोथ ए एंड आर इज़ करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द ट्रू एक्सप्लेनेशन. मतलब रीज़न और एजर्शन दोनों सही है, बट रीज़न ये मतलब ये एक्सप्लेन नहीं करता है एजर्शन को. देन क्वेश्चन नंबर 14, ईयर ट्रेनिंग इन ई एल टी इज ईजली अचीव्ड बाई. क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है डी, ईयर ट्रेनिंग is easily achieved by dictation and listening exercise. Question number 15, William Shakespeare's The Julius Caesar, Antony and Cleopatra and Coriolanus
are based on, इसका correct option है D, Plutarch's Lives. Question number 16, the basic concept that creation was ordered, that every species exists in a hierarchy of status from God to the lowest creature, was prevalent in the Renaissance. In this hierarchical continuum, man occupies the middle position between the animal kinds and the angels. This world view is known as, इसको ये जो हमने अभी बात की वो किसके मतलब किस थियोरी के अंदर आता है या किस विचारधारा के अंदर आता है, थॉट के थॉट प्रोसेस के अंदर आता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द ग्रेट चेन ऑफ बीइंग. Question number 17, in Virginia Woolf's To the lighthouse does not symbolizes. So, iska correct option hai B, change in the unchanging world. Virginia Woolf, To the lighthouse does not symbolizes the change in the changing world. It symbolizes the other three statement. Wo kya hai? Permanence at the heart of change. Dusra hai, celebration of life in the heart of death, and celebration of order in the heart of chaos. Then question number 18, can one imagine any private soldier in the 19 or now reading a barrack room ballads and feeling that here was a writer who spoke for him? It is very hard to do so when he is writing not of British but of loyal Indians. He carry a Salman Sahib motif to sometimes disgusting length, yet it remains true that he has far more interested in the common soldier, far more anxiety that he shall get fair deal than most of the liberals of his day and our own. He sees that soldier is neglected, meanly unpaid, and hypocritical, despised by the people whose income he safeguard. ये जो above commentary है, ये कहाँ से ली गई है? इसका correct option है C. This is T.S. Eliot on Rudyard Kipling. The above is a commentary on Rudyard Kipling by इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज़ द रूड. ये जो स्टेटमेंट है ये जॉर्ज ऑरवेल का स्टेटमेंट है ऑन रूडयार्ड किपलिंग, नॉट टी एस एलियट. सॉरी, पार्डन मी. सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है डी, द अबव इज़ अ कमेंट्री ऑन द रूडयार्ड किपलिंग बाय जॉर्ज ऑरवेल. क्वेश्चन नंबर 19, इन द वेल नोन पोएम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द वर्ड कॉय मीन्स, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज शाई. From the following list, identify back formation, skull, bulk, stoke, poke, swindle and bundle. तो ये है, इसका correct option है D. Back formation is a term coined by James Murray in 1889, which means creating a new lexeme or new word by removing the affix. So इसका correct option हो गया D, that is skull का change हुआ bulk से, stoke का poke से, swindles का bundle से. So question number 21. Its blur distinctions among literary and non-literary and cultural text, showing how all three intercalculate, share in and mutually constitute each other. What does it in this statement stand for? So iska matlab hai, iska correct option hai D, that is new historicism. So it मतलब न्यू हिस्टोरिसिज्म ब्लर्स डिस्टिंक्शंस अमंग लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी एंड कल्चरल टेक्स्ट, शोइंग हाउ ऑल थ्री इंटर करक्यूलेट शेयर इन एंड म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूट ईच अदर. तो यहाँ जो इट है ये न्यू हिस्टोरिसिज्म है. क्वेश्चन नंबर 22, फॉर दो आई हैव नो आइडिया वॉट इज एकॉर्टेड फ्रॉस्टी is worth, it please me to stand in silence here. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, बैरन. देन ये चर्च गोइंग के वर्ड हैं, बार्न. देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट अ पार्टीशन नॉवल. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट लॉन्ग साइलेंस, अदरवाइज आज़ादी, तमस एंड क्लियर लाइट ऑफ द डे इज अ पार्टीशन नॉवल. बट शशि देश पांडे का है लॉन्ग साइलेंस, जो कि एक
मिडिल क्लास इंडियन वुमेन की लाइफ के ऊपर है विद अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. इट इज़ नॉट अ पार्टीशन नॉवल. देन क्वेश्चन नंबर 24, ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर विच वन डज नॉट बिलोंग टू अ हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी राल्फ सिंह. ये प्रोटैगनिस्ट हैं वी एस नायपॉल के द मिमिक मैन में, बट ये हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास में नहीं है. अदर जो है रघु, दिहुति एंड तारा और साथ ही साथ तुलसी, ये सारे वी एस नायपॉल के मिस्टर विश्वास वाले जो नॉवेल है उसमें हैं. देन क्वेश्चन नंबर 23, इन द लिटरेचर द ट्रूप ऑफ द वेम्पायर वॉज यूज फॉर फर्स्ट टाइम बाय. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज जॉन स्टैग. देन क्वेश्चन नंबर 26, द यूनिवर्सल ग्रामर सो वाई यूनिवर्सल ग्रामर सो कॉल्ड. तो इसका करेक्ट आंसर है बी, द यूनिवर्सल ग्रामर इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज सेट अ बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल एज्यूम टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द नॉवल विच विद द रॉन्ग सबटाइटल्ड लिस्टेड बिलो. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, फ्लिक्स हॉल्ट. जो जॉर्ज इलियट का नॉवल है वो फ्लिक्स हॉल्ट जो है उसका करेक्ट जो सबटाइटल है वो है द रेडिकल. अदरवाइज मिडिल मार्च का है अ स्टडी ऑफ अ प्रोविंसियल लाइफ, टेस्ट द अबव विले अ प्योर वुमेन, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज अ मैन ऑफ कैरेक्टर एंड फ्लिक्स हॉल्ट द रेडिकल. तो इसमें जो करेक्ट मतलब जो गलत ऑप्शन है वो है डी. देन क्वेश्चन नंबर 28, मैच द कॉलम है, देख लेते हैं. डेविड मेलोफ रिमेंबरिंग बेबीलोन 1993, पैट्रिक वाइट सोल द सॉलिड मंडेल मंडाला, देन 1966, पीटर कैरी ट्रू हिस्ट्री ऑफ कैली गैंग एंड कॉलिन जॉनसन वाइल्ड कैट फॉलिंग. सो ये सारे करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 29, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ टॉल्स्टॉय अना कैरिनिया, हैप्पी फैमिली आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ओन वे, द स्पेसिफिक कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज ओब्लोनस्की हाउस वॉज द हजबेंड अफेयर विद. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अ फ्रेंच गवर्नेस. एना कार्नीना द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इन ओब्लोनस्की हाउस वॉज हजबेंड्स अफेयर विद फ्रेंच गवर्नेंस. क्वेश्चन नंबर 30, दिस पीरियोडिकल हैड अवोक्ड इंटेंशन टू इन लिव इन मॉरेलिटी विद विट एंड टेम्पर विद मॉरेलिटी टू ब्रिंग फिलोसफी आउट ऑफ द क्लोजेट्स एंड लाइब्रेरी स्कूल्स एंड कॉलेज टू डूवेल इन क्लब्स एंड असेंबलीज एट टी टेबल एंड कॉफी हाउसेज. It also promoted family, marriage and courtesy. The periodical under reference is, किस periodical के बारे में ये बात की जा रही है? इसका correct answer है B, that is a spectator. Then question number 31, assertion reasoning है, Tam O's Shanter by John Clare is about the experience of an ordinary human beings and become quite popular during that time. रीज़न क्या है? जॉन क्लेयर हैविंग सफर्ड बाउट्स ऑफ मैडनेस कुड रियली फील दैट द मिजरी ऑफ कॉमन मैन. सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दोनों सही है बट जो रीज़न है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा. अलेक्जेंडर पोप्स एन एस ए इन क्रिटिसिज्म क्या है? एन एस ए इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ए एन सी. परपोर्ट्स to define wit and nature as they apply to the literature of his age, or is a prose essay that give us such quotes as little learning is a dangerous thing. So ye sari cheeze an essay in criticism ke bare mein sahi hai. Question number 33, what is register? Register is, iska correct option is C, register is a variety of language used in a social situation or one special designed for the subject it deal with. Question number 34, Jeremy Collier's short view of immortality and profaneness of the English stage 1698 attacked by. Iska correct option hai C, the coarseness and ugliness of restoration theatre. So question number 35, one of the most important themes and speakers debate in Dryden's An Essay on Dramatic Poesy is. Iska correct option is C, the relative merit of French and English theatre. Question number 36, direct match pucha hai Salman Rushdie, the Enchantress of Florence
देन ऑल अबाउट एच हेटर जीवी दिस दिसानी देन इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई ब्लेंड इन गंगाज मनोहर माल मालगोंकर. क्वेश्चन नंबर 37 भी मैच है. देखते हैं लैंग्वेज इन पेरोल एस सी एस पियर्स कंपीटेंस एंड परफॉर्मेंस फर्डिनेंड डी सेस्योर आइकॉनिक इंडेक्सिकल नोएम चॉम्स्की देन रेडरली एंड राइटरली रीडरली एंड राइटरली रोनाल्ड बार्थस. देन 38 भी मैच दी कॉलम है. देख लेते हैं जॉय कोगावा ऑब्सन देन ये जापानीज कैनेडियन है. देन एम जी वसानजी द गनी सैक स्काईली डिसअपियरिंग मून कैफे अर्नाल्ड इटवारू बॉडी राइट्स. क्वेश्चन नंबर 39 व्हाई डू जीन बॉल्डील रेड अडॉप्टेड डिज्नीलैंड एट हिज ओन साइन. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी सॉरी सी दैट इज डिज्नीलैंड इज एन आर्ट फैक्ट दैट सो ऑब्वियसली अनाउंस इट्स ओन फिक्टिवनेस दैट इट वुड सीम टू इम्प्लाई सम काउंटर बैलेंसिंग रियालिटी. क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डी जी रॉजिटी. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी दैट इज ही मैरिड टू क्रिस्टीना जॉर्जीना हु वॉज पोएट इन हर राइट. सो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट है. बाकी डी जी रॉजिटी लंडन से रहने वाले थे और द सन ऑफ एन इटालियन रिफ्यूगी हु टॉट इटालियन एट किंग्स कॉलेज. रॉजिटी फॉर्म्ड द प्री रेफलाइट ब्रदरहुड विद हॉलमन हंट फॉर्ड मैडॉक्स ब्राउन एंड पेंटर्स मिलर. और ये जो डीजी रॉजिटी हैं ये इन्होंने शादी की थी क्रिस्टीना जॉर्जियाना से. ये इन्फॉर्मेशन इनके बारे में गलत है, बाकी सभी सही है. देन गोथ्स फॉस्ट पार्ट वन सीन वन ओपन इन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी फॉस्ट्स स्टडी. देन 42 इज इट देयर सिंगल माइंड साइज्ड स्कल और ट्रेंड बॉडी और जीनियस और अ नेस्ट फुल ऑफ ब्रैट्स गिव देयर डेज दिस बुलेट एंड ऑटोमेटिक पर्पज थ्रशेस. द अबव लाइन व्हाट डज देयर रिफर टू एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ देयर डज द पोएट स्पीक ऑफ. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. ये टेड्यूज के थ्रशेस का वर्ड है. द वर्ड देयर रिफर टू द थ्रशेस एंड देयर कॉन्सेंट्रेशन इन अचीव व्हाट दे सेट आउट फॉर एंड द एफिशिएंसी ऑफ द थ्रशेस इज गेटिंग टू देयर प्रे. देन क्वेश्चन नंबर 43 फाइंड आउट ऑड वुमेन आवर बेलाडोना यू इंजेंडीज द टाइपिस्ट मैरी मैडम सोसॉर्ट्रिस द र्यून बिबर टायरसियस यंग वुमेन कारबंकुलर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी दैट इज अ रुइन बिबर इज एनी पर्सन हु इज रेगुलर ड्रिंकर ऑफ एल्कोहल बेवरेज इट अपियर इन पी लार्किंस चर्च गोइंग. क्वेश्चन नंबर 14 विल्की कॉलिंस नॉवेल मून स्टोन टेल्स द स्टोरी ऑफ. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इज द स्टोरी ऑफ फैबुलस येलो डायमंड स्टोलन फ्रॉम इंडियन श्राइन. क्वेश्चन नंबर 45 मैच दी कॉलम है. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एमली डिकिंसन का है. ओ कैप्टन माई कैप्टन वॉल्ट विटमिन का. टू रोड डाइवर्ज्ड विद इन अ वुड रॉबर्ट फ्रॉस्ट का. सो मच डिपेंड अपॉन विलियम कैरोल विलियम का. क्वेश्चन नंबर 46 नाउ स्टॉप योर नोजेस रीडर्स ऑल ऑफ ऑल एंड सम इन. ये जो पूरा पैसेज है जो ऊपर अभी हम देख रहे हैं 46 क्वेश्चन का, ये जो पैसेज है एप्सिलिन एंड एसिटोफल में है और इसमें लिंक का क्या मतलब है वो ये पूछ रहे हैं. तो इसमें लिंक इन ड्राइडन्स एप्सिलिन एंड एसिटोफल रिफर टू द हायर्ड सर्वेंट हु कैरिड द लाइटेड टॉर्च. क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल इंडियन इंग्लिश पोएम बाय निजाम एज़िकिल. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए हाउ द इंग्लिश लेसन एंडेड. क्वेश्चन नंबर 48 मैच दी कॉलम है. जॉर्ज इलियट मैरी एना
एना एवस, साकी एच एच मूनरो, एमली ब्रॉन्टे, एमली एलिस बेल, मार्क ट्वेन, सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेन, ये इनका पेन नेम है, पेन नेम का मैच दी कॉलम पूछा है। 49 इन कैंटो 17 ऑफ इन्फर्नो द मॉन्स्टर ग्रेन रिप्रेजेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए फ्रॉड। देन क्वेश्चन नंबर 50, आई ए रिचर्ड्स फेमस एक्सपेरिमेंट विद पोएम एंड हिज केम्ब्रिज स्टूडेंट इज डिटेल्ड इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट 1929, रिचर्ड वॉज एस्टॉनिश्ड बाई, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए द पुअर क्वालिटी ऑफ हिज स्टूडेंट स्टॉक रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चन नंबर 51, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई द टेक्स्ट रेफरेंस, दिस इज अ प्ले इन विच नो वन कम नो वन गोज नथिंग हैपन्स, इन इट्स ओपनिंग सीन द मैन स्ट्रगल्स हार्ड टू रिमूव हिज बूट, द प्ले वॉज ओरिजिनली फिट रिटन इन फ्रेंच लेटर ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1953। ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये जो प्ले है ये सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो है। देन क्वेश्चन नंबर 52, वन ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल इज इन प्रोज, आइडेंटिफाई, करेक्ट ऑप्शन है ए द पार्सन टेल। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच डिस्टिंक्शन बिटवीन इन हिज डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन फैन एंड फैंसी कोलरिज आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी कॉलरिज डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी बाई पोस्टुलेटिंग दैट फैंसी हैज़ एग्रीगेटिव एंड एसोसिएटिव पावर एंड प्ले विद फिक्सिटी एंड डेफिनिटी, इमेजिनेशन डिजॉल्व डिफ्यूजन एंड डेसीपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट एंड हैज शेपिंग एंड मॉडिफाइंग पावर। देन क्वेश्चन नंबर 54, जूलिया क्रिस्टीवाज इंटरटेक्सचुअलिटी डिराइव्स फ्रॉम, तो ये है डिराइव्स फ्रॉम सेस्योर्स साइन एंड बैक्टन्स डायलॉगिज्म। सो ये जो इंटरटेक्सचुअलिटी है इनका सेस्योर के साइन से और बैक्टन के डायलॉगिज्म से डिराइव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, रैल्फ एलिसन इंजॉयज सबवर्टिंग मिथ अबाउट विद वाइट प्योरिटी थ्रू द कैरेक्टर लाइक, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए दैट इज नॉर्टन एंड ब्लेडोज ब्लेडसो। सो आगे बढ़ते हैं और ये दोनों कैरेक्टर जो है इनविजिबल मैन से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ रैल्फ वोल्डो इमर्सन, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट रैल्फ वोल्डो वेल्डो इमर्सन इज दैट ही रोट एसे ऑन न्यू इंग्लैंड सीनरी वुड क्राफ्ट एंड प्लांटेशन, ही वॉज अ मेम्बर ऑफ ट्रांसडेंटल क्लब, ये सारा जो है इनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है, रेस्ट जो है इनके बारे में सही है। ही वॉज अ फेमस अमेरिकन स्कॉलर, डिलीवर्ड एन एड्रेस बिफोर पीबेटा कापा सोसाइटी एंड उनका एक नेचर करके ऐसे है और यस और ही वॉज एन इलोक्वेंट पल्पिट ओरेटर, तो ये सारे इनके बारे में सही हैं। देन क्वेश्चन नंबर 57, एग्जॉर्सिज्म इज द टाइटल ऑफ द एक्ट थर्ड ऑफ हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट एग्जॉर्सिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्ले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी एक्सपोजिंग ऑल अटेम्प्ट ऑफ इल्यूजन मेकिंग। देन क्वेश्चन नंबर 58, विमेनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर, This is an important statement defining the feminist perspective advanced by. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी एलिस वॉकर, उन्होंने ये दिया था, ये जो स्टेटमेंट है दिया था। क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर ऑफ द फॉलोइंग वेयर कैरेक्टर्स इन गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज फिट द एलेगराइज्ड पैटर्न ऑफ वर्च्यू एंड वॉइस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अदरवाइज रैल्फ रेशनैलिटी को शो करता है, पिगी जो है प्रैग्मेटिज्म को शो करता है, साइमन जो है इनोसेंस को शो करता है और जो जैक है इसमें ये सिम्बोलाइज करता है ईविल एंड वायलेंस को, अ डार्क साइड ऑफ ह्यूमन। देन 60, A subaltern perspective is one where, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, a subaltern perspective is the opposed view point that speaks of
political disposed who could be voiceless, written out the historical record and ignored because their activity do not count for cultured and structured. Question number 61. ये जो पूरे स्टेटमेंट देख रहे हैं, इंटर लैंग्वेज इज अ टर्म वी ओ टू एम ए के हैलिडे, देन इंटर लैंग्वेज डेवलप एन ऑटोनोमस एंड सेल्फ कंटेन्ड ग्रामेटिकल सिस्टम, इट इज़ एन डिस्टिंक्ट स्टेज इन अ लर्नर्स प्रोग्रेस इन द स्टडी ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज, इट ओज नथिंग एट ऑल ईदर टू अ लर्नर नेटिव और टारगेट और सेकेंड लैंग्वेज. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए एंड सी. इंटर लैंग्वेज इज अ टर्म वी ओ टू एम ए के हैलिडे एंड इट इज अ डिस्टिंक्ट एज स्टेज इन द लर्नर प्रोग्रेस इन द स्टडी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर 62. इन द क्लासिक स्टेटमेंट दैट इनॉग्रेट फेमिनिस्ट थॉट इन इंग्लिश वी रीड अ वुमेन राइटिंग थिंक बैक थ्रू हर मदर. वेयर डज इट अकर? तो ये है वर्जीनिया वुल के अ रूम ऑफ वंस ओन में ये चीज़ ये स्टेटमेंट आया है. क्वेश्चन नंबर 63. मैच दी कॉलम है, डायरेक्ट देखते हैं. ए के रामानुजन स्पीकिंग ऑफ शिवा, देन मनमथानाथ दत्त, ये है महाभारत, देन मोहिनी चैटर्जी द भगवद गीता, रोमेश चंद्र दत्त रामायण. फिर एजर्शन रीजनिंग है 64. एजर्शन है द पावर ऑफ अ ग्लोरी ग्रीन शोज हाउ अ विस्की प्रीस्ट ट्रांसडेंट्स हिज वीकनेस फॉर ड्रिंक ऑफ हिज ह्यूमन फियर मूविंग टुवर्ड द मार्टिरम. आर रीजनिंग क्या है? Transcendence in green novel is generally an outcome of love for humanity, but pride is also essential ingredient in the priest's character. So, इसका जो है C है, correct है. Reasoning और assertion दोनों correct है, but जो reasoning है वो explain नहीं कर रही है. Question number 65. Which of the following statement of John Donne is incorrect? So, इसका correct option है C, that is John Donne wrote restoration drama or Aurangzeb in 1675, which was published in 1690. Dryden did not write the play on Humayun. ठीक है, so इसमें दिया हुआ है कि Dryden wrote a play on Mughal Emperor Humayun, but नहीं, वो Aurangzeb के ऊपर उन्होंने प्ले लिखा था. और रेस्ट जो है वो पोएट लॉरिएट थे और वो जॉन मिल्टन के कंटेम्प्रेरी थे और वो एक रॉयलिस्ट थे. ये सारी चीज़ें करेक्ट हैं. देन क्वेश्चन नंबर 66. लाइक वॉकिंग क्रिटिसिज्म इज अ प्रिटी नियरली यूनिवर्सल आर्ट, बोथ रिक्वायर अ कॉन्स्टेंट इंटीग्रेट शिफ्टिंग एंड कैचिंग ऑफ बैलेंस, नीदर कैन बी क्वेश्चन मच इन प्रोसेस एंड अ फ्यू परफॉर्म ईदर रियली वेल. For either a new train in fatiguing and awkward, and in our day most men prefer paved walk and some form of rapid transport, some easy theory or overmastering dogma. ये जो statement है उसके बारे में पूछा है. So तो इस ये जो है the correct statement about R.P. Blackmer, a critic's job of work. ठीक है, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन नंबर 67. द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय द कोल्ड एंड हाइपोक्रिटिकल मटेरियलिस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विलियम ब्लेक इन द माइथोलॉजिकल फिगर. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यूरिजेन. ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो कि वर्ल्ड के कोल्ड एंड हिपोक्रिटिकल मटेरियलिज्म को शो करता है. फिर अब यहाँ पे फिर वापस मैच दी कॉलम है, डायरेक्ट देख लेते हैं. थर्ड स्पेस एडवर्ड सोजा, हाइब्रिडिटी होमी भाभा, रिसेप्शन एस्थेटिक्स वुल्फगैंग इजार एंड लैंग्वा फर्डिनेंड डी सेस्योर. क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ जी बी शॉ, आइडिया ऑफ लाइफ फोर्स, a play dealing with the women pursuit of her mate, a play whose third act called Don Juan in Hell is both unconventional and hilarious. So iska correct option hai option B, that is Man and Superman. Then question number 70. Identify the untrue statement about the context zone below. So iska correct option hai, iska jo incorrect option hai wo hai context zone marks the beginning of colonialism where nationalist movement come at last or saturation state of operation in post-colonial society. Question number 71. Name the novel in which
अब यहाँ आपको नॉवल गेस करना है कौन सा है. द प्रोटैगनिस्ट इज अ वॉर वेटरन कॉल्ड टायो. टायो रिटर्न फ्रॉम वर्ल्ड वॉर टू थॉरली डिसइल्यूजन एंड हॉन्टेड बाय हिज वायलेंट एक्शन of wartime. Tayo seeks consolation and console from old Bitoni. The protagonist realizes the importance of harmonizing humanity and the universe. ये कौन सा novel है? इसका correct option है B, Ceremony. और ये जो है Leslie Marmon स्किलो की नॉवेल है, दैट इज सेरेमनी. क्वेश्चन नंबर 72. वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन मैन एंड वुमेन इज एड्रेस टू एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बाय द पोएम. तो इसमें पोएम आपको गेस करना है, ये है वन वर्ड मोर. देन क्वेश्चन नंबर 73 मैच द कॉलम है, इसका करेक्ट देख लेते हैं. टीन्स ने विलियम का स्ट्रीट कार नेम डिजायर. यूजीन ओनील एम्परर जोन्स. लॉरेन हैंसबरी राइजन इन द सन. देन आर्थर मिलर आफ्टर द फॉल. फिर 74 भी मैच दी कॉलम है, इसको देख लेते हैं. थिएटर ऑफ क्रुएलिटी दैट इज जॉर्जी ग्रोटोवस्की. थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड ऑगस्टो बोल. एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर जॉर्ज केसो. एंड एजिट प्रॉप सफदर हाशमी. देन क्वेश्चन नंबर 75 बर्टलॉट ब्रेचिट एपिक थिएटर के बारे में आपको बताना है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज ए सी डी आर करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग. तो ए सी डी क्या है देख लेते हैं. टर्न द स्पेक्टेटर इनटू एन ऑब्जर्वर, एपिक थिएटर इनका. दूसरा जो है रिलाइज ऑन आर्ग्यूमेंट. एंड जो थर्ड करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रेजेंट मैन एज अ प्रोसेस. सो कुल मिला के सर ये आपका ओवरऑल 75 क्वेश्चन तक का है. एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा. इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पेपर है जून 2012 का वो मैं आपके पास जल्दी ही हाजिर करती हूँ. इसी के साथ ये ख़त्म करते हैं. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.